हेलो गाइस, वर यू आई होप डेट यू आर फाइन हेल्दी सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल आदम टेक। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकोमोडेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस लगाई हैं कि आप शेफील्ड में अकोमोडेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं तो आप शेयरिंग पार्टनर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सारे जो शेफील्ड एलम स्टूडेंट्स, शेफील्ड एलम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हैं, ठीक है। उन सबके कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, तो उस ग्रुप में ये है कि मैं आप लोगों के पार्टनर्स फाइंड करके देता हूँ आप लोगों को, आपने खुद फाइंड करने होते हैं। उसके अंदर अभी जो हमारे ग्रुप में है वो 70 मेंबर्स हो गए लगभग, और भी ऐड हो ही जा रहे हैं। अगर आप भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे जाएं, दी आदम सफ़ी पे, उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें अपने चैनल के बायो में। आप उधर से मेरे इंस्टा की आईडी पे जाएं, और एक मिनट सड़क रास्ता लूँ, हाँ हो गई। तो आप उधर से मेरी इंस्टा की आईडी पर जाएं और जाकर मुझे फॉलो करें, और आप मुझे मैसेज करें कि हमें उस ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ग्रुप में ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा, आपके लिंक्स बन जाएंगे। जो जो स्टूडेंट्स शेफील्ड में आ रहे हैं उसमें मैंने सेपरेट ग्रुप्स बनाया, इंडियंस का भी बनाया हुआ और पाकिस्तानियों का भी बनाया हुआ। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आप मेरे जो मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया उसकी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, उसमें इंडियंस का भी लिंक है और पाकिस्तान ग्रुप का भी लिंक है, आप दोनों को जो है ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी ग्रुप में आप जाना चाहते हैं, या अगर आप मिक्स ग्रुप में रहना चाहते हैं तो हमारा वो भी है जो मेन ग्रुप है, जो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों की हेल्प हो सके, ताकि आप लोग घर लेके शेयरिंग में रह सकें, ताकि जो आपकी अकोमोडेशन है मैक्सिमम आपको 150 पर मंथ पड़े, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे मैसेज आ रही थी, कॉल्स आ रही थी अकोमोडेशन से रिलेटेड कि हमें कोई अकोमोडेशन फाइंड कर दें, घर फाइंड कर दें चीप वगैरह, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव अकोमोडेशन मुझे स्टूडेंट्स कई मैसेज कर रहे हैं, तो भाई बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रही है अभी ना। तो भाई अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं मिडिल क्लास हैं, अकोमोडेशन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप घर ले लें। बारहा मैं कह रहा हूँ, शेफील्ड में आकर अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड नहीं ठीक, तो आपको यहाँ पर घर लेना पड़ेगा। अब मैं अभी शेफील्ड से आया था तो मैंने यहाँ पर घर लिया था, तो आते साथ ही भाई मैंने घर लिया, लिंक्स थे मेरे यहाँ पर, तो लिंक्स से मैंने घर ले लिया, और वहाँ पर साथ मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, तो हम तीनों ने मिलकर घर ले लिया। तो अब घर में तीन कमरे और हम थ्री फ्रेंड्स हैं, तो हम 200 पाउंड देते हैं, 600 पाउंड बन जाता है, और जो हमारे घर का किराया है वो 500 पाउंड है, तो बिजली गैस डाल के मुझे नहीं कि 600 की मुझे अकोमोडेशन पड़ जाती है। तो हम सारे शेयर करते हैं और भी, तो मतलब काफ़ी चीप है हमारी अकोमोडेशन तो मेरे लिए मायने नहीं रखती अकोमोडेशन का, तो मैं किराया एक दिन में पूरा कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जितने भी आ रहे हैं जनाब, आप घर ले लें, मैं बार बार कह रहा हूँ घर ले लें, घर आपके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। अगर आप अकोमोडेशन लेंगे भाई, अभी जो शेफील्ड में रेट चल रहा है प्राइवेट अकोमोडेशन आप लेंगे तो 350 तक आपको पड़ेगी, ठीक है। तो 350 में आपको सिर्फ एक कमरा मिलेगा और बाथरूम। अगर आप घर ले लेंगे भाई, 3-4 कमरे मिल सकते हैं, आप शेयरिंग में रह सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप रह सकते हैं, पार्टी शार्टी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को मेहमान वगैरह को बुला सकते हैं, मक्खी आगे बैठ गई थी, यानी कि आप मेहमान आता अगर किसी सिटी से आप उसको अपने घर में रख सकते हैं, जबकि प्राइवेट अकोमोडेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और कोई आप पे प्रेशर नहीं है, आपके लिए हर चीज़ इजी होगा, कोई मेंटेनेंस फंड नहीं होगा, और मजे की बात ये है आपको काउंसिल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट पर टैक्स नहीं है। तो फ़ायदा इसी में है कि आप शेफील्ड में आके घर लें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आपने घर कैसे लेना है शेफील्ड में, मैंने इस पर पहले वीडियो लगाई हुई है कि आपने शेफील्ड में कैसे घर फाइंड करना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप शेफील्ड में घर लेना चाहते हैं तो आप मार्केट प्लेस पर घर ले सकते हैं, ठीक है। फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर जाकर आप घर फाइंड करें, तो आपको वहाँ पर भी जो है वो घर वगैरह मिल जाएंगे अच्छी प्राइजेज में। तो जितना ज़्यादा सिटी के पास घर होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा चीप होगा। अब जो मेरा घर है वो यार 30 मिनट्स वॉक है, यूनिवर्सिटी और मेरे घर से 30 मिनट्स वॉक है, और बस पर जाऊँ 15 मिनट लगते हैं, तो इतना दूर भी नहीं है, और किराया भी आपके सामने इतना अच्छा और काफ़ी अफोर्डेबल है मेरे लिए, तो मैं तो बहुत बेस्ट रह गया हूँ अकोमोडेशन के लिहाज से। तो बहुत से लोग मुझे काले कह रहे थे, जी आप हमें घर ढूंढ के दें, कोई अकोमोडेशन बताएं, तो भाई साहब मेरे लिंक में तो अभी मेरी नज़रों में भी कोई घर नहीं है मेरे एरिया में, कोई घर हुआ जो कि मुझे नज़र आ रहा हुआ कि भाई ये अवेलेबल है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और कहें कि जी हमें घर चाहिए, तो जितने बंदे मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मुझे कोई घर मिल गया यहाँ पर तो मैं आप लोगों का रब्ता करवा दूँगा। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपना ग्रुप जो आपका ग्रुप है आप मुझसे रब्ता करें तो आपको वो घर मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे काफ़ी घर हैं यहाँ पे हमारे एरिया में, तो कई आते भी हैं कि ये घर किराए के लिए खाली है,
कईयों के बाहर बोर्ड भी लगा होता है, तो मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं। तो प्राइवेट अकोमोडेशन आपको पता फिर क्या रेट है, आप अपने यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पर जाकर आप बुक कर सकते हैं अगर आपने घर नहीं लेना, ठीक है? और दूसरा आता है जी शेयरिंग में, अगर आपका मतलब कोई अंकल वगैरह आप उनसे एक कमरा ले लें खाली, तो कमरा यार लिंक से मिलता है, एक रेफरेंस के थ्रू मिलता है, अगर आप किसी के घर में रहना चाहते हैं, ठीक है? तो वो भी अफोर्डेबल पड़ जाता है, वो आपको मंथली आई थिंक 250 किराया होगा उसका, ठीक है? लेकिन घर जो है वो बेस्ट रहता है, ठीक? तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने बस आपको ये गाइड करना था कि आपके लिए भाई सबसे सूटेबल है वो घर है, और आपको मैंने बता दी घर कैसे फाइंड करना है। मुझसे आप इंस्टा पर भी रब्ता कर सकते हैं, कोई मुझे शेफील्ड में घर नजर आया तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब एक लिए इतना मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।